मध्य प्रदेश राज्य शासन के आदेश अनुसार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मार्च 20 के बिल के हिसाब से पात्रता अनुसार कोविड राहत प्रदान की जा रही है। जून में ही अब तक 20 लाख उपभोक्ताओं को 170 करोड़ की कोविड राहत प्रदान की जा चुकी है। अभी भी अलग अलग जोन वितरण केंद्रों के बिलों का जनरेशन व प्रिंटिंग का कार्य चल रहा है, यह संख्या और बढ़ेगी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के मार्च 20 के बिल संबल हितग्राही होने पर 100 रुपये तक, घरेलू उपभोक्ताओं के बिल के 400 रुपये तक आए हैं, वे ही इस योजना के पात्र हैं। संबल वाले उपभोक्ताओं को आगामी 3 माह तक 100 रुपये तक का बिल आने पर 50, समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को आगामी 3 माह के बिल 400 रुपये तक आने वाले को 100 रुपये माह एवं 400 से ज्यादा बिल आने वालों को 3 माह तक 50% रकम चुकाना होगी। उन्होंने बताया कि मालवा व निमाड़ में इस योजना के तहत अब तक 20 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं लाभान्वित हो चुके हैं। इसमें इंदौर शहर के 2.5 लाख उपभोक्ता भी शामिल हैं। अन्य जिलों में 1 से 1.5 लाख उपभोक्ता कोविड राहत पा रहे हैं। कोविड की महामारी फैली हुई है, उसको लेकर के जो बिजली बिल में जो रियायत दी है सरकार ने, उसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस व्यक्ति को योजना के अंतर्गत पात्रता है। तो इसमें जो हमने बेंचमार्क फिक्स किया है वो है आपका मार्च 2020 का बिजली का बिल। यदि आपका मार्च का बिल 400 रुपये से कम है तो आप इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं, तभी आपको इस योजना के आगे के लाभ मिलेंगे। यदि आपका बिल मार्च में 400 रुपये से ज़्यादा है तो इस योजना के अंतर्गत आपकी पात्रता नहीं आ गई। अब जहाँ तक जिनका 400 से कम का बिल था मार्च में, उनको क्या राहत है, तो ये आगे की डिटेल इस प्रकार है कि यदि आप संबल योजना के हितग्राही हैं और आपका मार्च का बिल 100 रुपये तक आया था तो आपको केवल 50 रुपये भरने पड़ेंगे। यानी कि आपको अप्रैल, मई, जून और ये योजना 3 महीने तक है, तो 3 महीने तक आपको 50-50-50 कुल 150 रुपये का बिल भरना पड़ेगा। यदि आपका बिल 100 से 400 रुपये तक का है तो आपको 100 रुपये का बिल भरना पड़ेगा। इसमें कोई संबल और गैर संबल नहीं है, यानी कि जिस भी व्यक्ति का 100 से 400 रुपये का बिल है उसको 100 रुपये भरना पड़ेगा, जो मार्च में जिसका 100 रुपये तक का बिल था। अब सवाल उसका है कि जिनका मार्च में 100 से 400 रुपये तक का बिल था, उनके यदि 100 से 400 रुपये तक की सीमा में है तो उसको उतना ही भरना है, लेकिन यदि 400 रुपये से ज़्यादा का बिल है उसका, तो उसको 400 रुपये से ज़्यादा जितना बिल है, 500 रुपये है मान लो, तो उसको उसका 50% अभी भरना है, आधा अभी भरना है। आधे के बारे में निर्णय जब उसके देयक का पूरा सत्यापन हो जाएगा और सरकार के जो आगे के निर्देश होंगे उसके बाद फैसला उस पर होगा, अभी उसको केवल 50% भरने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के ये योजना है, इस योजना में कोई भी कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आज की तिथि में लगभग 20 लाख लोग जो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपभोक्ता हैं उनको इसका फ़ायदा मिल चुका है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके बिल मार्च में 400 रुपये तक के थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो 400 रुपये से ज़्यादा के बिल जिनके मार्च के थे और अब उनके बिल मान लो 1000 रुपये के आए हैं, 1500 रुपये के आए हैं, तो उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ये कन्फ्यूजन दूर करने की आवश्यकता है। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।